नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको अंबिकापुर के साढ़वार मंदिर का कुछ सीन दिखाने वाले हैं इस ब्लॉग में। ये वीडियो ब्लॉग वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में आपको पूरा एंड तक बने रहना है। एंड में काफ़ी अच्छे अच्छे सीन आपको दिखाया है, तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और आपको शुरू से आखिर तक दिखाएंगे कि यहाँ पर कितना भीड़ था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और काफ़ी लोग यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए थे महाशिवरात्रि के दिन, तो उसी का ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री है, यहीं से एंट्री होता है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, वहाँ पे नल भी लगा हुआ था, वहीं से सब लोग जल उठाते हैं। मतलब जो भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जो नल जल होता है वो नल से उठाते हैं लोग अपने लोटे में या गिलास जो भी पकड़े रहते हैं उसमें। उसके बाद इधर अंदर आते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे चप्पल जूता हेरा जाता है। और साइड पे जो दिख रहा है, यहाँ पे आप भंडारे का आयोजन किया रहता है, तो अभी ख़त्म हो गया फिलहाल, तो हम लोग अभी लेट से आए। तो देख सकते हैं कुछ सीन साढ़वार का, कुछ इस प्रकार से सीन है साढ़वार में। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ था गाइस, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं वीडियो पे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। चलिए ऊपर चढ़ के आपको दिखाते हैं मंदिर की तरफ को, कितना भीड़ था। तो देख सकते हैं अभी यहाँ से हम लोग साढ़वार मंदिर का चढ़ते हैं, जो कि इधर साढ़वार मैया जो होते हैं वो यहाँ पे हैं। उसके बाद इधर सारे मंदिर हैं गाइस, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, हर भगवान यहाँ पे उपस्थित हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। जो ये भीड़ है वो सब जल चढ़ाने के, देख सकते हैं लोटे पे जल पकड़ के जा रहे हैं। महाशिवरात्रि का दिन है तो सभी लोग शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे और महादेव को पूजा करेंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भीड़ था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। और देख सकते हैं इधर पे मंदिर है, और ये वाला मंदिर है गाइस, ये है भोलेनाथ का शिवलिंग वाला मंदिर है, इसी पे सब लोग जल चढ़ाने के लिए हैं। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था गाइस। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे नारियल पकड़ा जाता है बगल में इस पर, और यहाँ पे है मंदिर। और कुछ इस प्रकार से सीन है, लड़के लोग थे जो नारियल फोड़ते हैं, और जो भी जो लोग इच्छा से कुछ देना चाहते हैं तो इनको दे सकते हैं 5-10 रुपये पैसे ऐसे करके कुछ दे सकते हैं। तो इस साइड में आपको आके दिखाता हूँ उधर का सीन, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे केले का वितरण हो रहा था। मतलब क्या बोल सकते हैं गाइस, भंडारे टाइप का है, केले को ये लोग दे रहे थे। ये मेरे दोस्त हैं गाइस कुछ, जिसके साथ मैं गया था यहाँ पे। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, इधर जंगल है पूरा साढ़वार का, तो इधर से एक मंदिर है देख सकते हैं ऐसे। तो ये सामने वाला जो दिख रहा है गाइस, ये आपका भोलेनाथ का मंदिर है, यहीं पे सब लोग भीड़ जमा किए हुए हैं और यहीं पे जा रहे हैं सब जल चढ़ाने के लिए। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था गाइस यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी और सभी लोग पूजा करने आए थे, और सभी लोग अपना अपना मतलब पूजा करके जा रहे थे और आते जा रहे थे गाइस, और जाते जा रहे थे। जैसे जैसे टाइम होते जा रहा था वैसे वैसे आते जा रहे थे और जाते जा रहे थे। देख सकते हैं यही है हमारे महादेव का जो मंदिर है वो यही वाला है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से भीड़ लगी हुई थी और यहाँ पे केले का वितरण किया जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा गाइस यहाँ पे आके हम लोग को। अगर आप भी अगर आस पास के हैं तो गाइस आप ज़रूर आइएगा साढ़वार मंदिर में, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मतलब कि आयोजन हुआ रहता है और काफ़ी बेहतरीन रहता है गाइस। पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, आप यहाँ अगर अंबिकापुर के आसपास के हैं तो जरूर आइएगा यहाँ पे और एक बार ज़रूर दर्शन करके जाइएगा, ठीक है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी गाइस, आप खुद देख सकते हैं वीडियो पर, काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। ओके, तो आप देखिए किस प्रकार से ऐसे मतलब कि यहाँ पे महाशिवरात्रि का आयोजन किया गया था और काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग जा रहे हैं आपको एंडिंग मतलब घर तरफ हम लोग जा रहे हैं। आप हम लोग ने पूजा पाठ कर लिया था तब मैं वीडियो बनाया, थोड़ा सा लेट में वीडियो बनाया, लेकिन गाइस ठीक है हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस महाशिवरात्रि के सुबह दिन ये वीडियो अपलोड होगी, तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। देख सकते हैं अभी हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और यहीं पे दुकान वुकान लगाई गई थी, जैसे कि नारियल की दुकान, अगरबत्ती लेना हो तो यहाँ पे मिल जाती थी, ठीक है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ था गाइस, यहाँ पे बाइक हुए पार्किंग वार्किंग सब कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा गाइस हमको यहाँ पे आके। आप ही एक बार जरूर आइएगा साढ़वारी मैया का दर्शन करने के लिए, सभी भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं गाइस स्थापित किए गए हैं।
काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप आइए और देखिए यहाँ का सीन कुछ किस प्रकार से है, अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं यहाँ पे भगवान के पास। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था गाइस, यहाँ पे गन्ना वन्ना रस दे रहे थे और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भीड़ काफ़ी ज़्यादा था, यहाँ पे बाइक वाइक खड़ा कर रहे थे। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस कुछ इसी प्रकार से था यहाँ के 60 बार का वीडियो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।